4 जून को लोकसभा चुनाव के लिए काउंटिंग होगी। सुबह 8 बजे मतगणना का काम शुरू होगा और 12 बजे तक तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। जनादेश को लेकर जो रुझान अभी मिल रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। डीबी लाइफ के सर्वे में इंडिया की जीत तय मानी जा रही है। तो क्या है सर्वे का परिणाम, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 4 जून को चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन इससे पहले जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। डीवी लाइव इलेक्ट लाइन के सर्वे में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। चुनाव में बीजेपी को अपने सहयोगियों के साथ 215 से 245 सीट मिलते दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 260 से 290 सीटें मिलने की उम्मीद है। अगर बात बीजेपी के सीटों की करें तो बीजेपी को 195 से 215 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 20 से 30 सीट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनती दिख रही है, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ भी उसे बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल करता दिखाई दे रहा है। इंडिया को 260 से 290 सीट मिल सकती है, जिसमें से कांग्रेस को 115 से 135 और उसके सहयोगियों को 140 से 160 सीट मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ अन्य के खाते में 28 से 48 सीट जाती दिख रही है। अगर बड़े राज्यों की बात करें तो यूपी में एनडीए को 46 से 48 और इंडिया गठबंधन को 32 से 34 सीट मिलती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 11 से 13 तो इंडिया को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में बीजेपी को 17 से 19 तो इंडिया को 6 से 8 सीट मिलती दिख रही है, जबकि बिहार में एनडीए को 14 से 16 तो इंडिया को 24 से 26 सीट। महाराष्ट्र में एनडीए को 18 से 20 सीटें और इंडिया को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24 से 26 और कांग्रेस को 3 से 5 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन पंजाब केरल की सभी सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहा है, तो तमिलनाडु में भी एनडीए का खाता खुलता नहीं दिख रहा। इंडिया गठबंधन देश के 5 बड़े राज्यों में यूपी को छोड़कर बाकी के 5 राज्यों में एनडीए पर भारी पड़ा है। यूपी में एनडीए तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल में इंडिया गठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।